रतलाम के जावरा में जगन्नाथ मंदिर के परिसर में गोवंश का कटा हुआ सिर मिला, जिसके बाद आक्रोशित हिंदू संगठनों ने पूरा जावरा बंद करवा दिया। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर फोर लेन पर चक्का जाम कर दिया। जावरा के जगन्नाथ मंदिर परिसर में गोवंश का कटा हुआ सिर फेंकने वालों के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से ढा दिया है और शाम को मंदिर का शुद्धिकरण करवाया। वहीं आक्रोशित हिंदू संगठनों ने पूरा शहर बंद करवा दिया। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर फोरलेन पर चक्का जाम कर दिया। क्षेत्रीय विधायक ने इस क्रूरतापूर्ण हिंदू विरोधी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से घटना तो बहुत ही दुखद है और दुखद होने के साथ साथ बहुत गंभीर भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है। और चिंताजनक इसलिए कह रहा हूं कि जावरा में कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा है। जावरा प्रारंभ से सहिष्णु होकर भाईचारा और मिलन के साथ में काम करने वाला क्षेत्र रहा है, नगर भी रहा है, और इस तरह की घटना तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रही। मेरे निवास के या मेरे कार्यालय के नजदीक ही शिव मंदिर है, शंकर मंदिर है, जहां आस्था का केंद्र है, और आस्था का केंद्र भी हम तो इसे उदाहरण के रूप में कहा करते हैं। एक और मस्जिद है, एक किनारे पर मंदिर है। यह हमारे यहाँ की माहौल, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का कभी भी नहीं बिगड़ा है। मैं चिंतित भी हूं और आशंकित भी हूं कि निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया है। यह षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है, यह दुर्घटना नहीं है जो अकस्मात हो गई। यह योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार कर किन्हीं न किन्हीं इस तरह की दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी विचारधारा के लोग हैं और जो यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ कर कुछ शायद प्राप्त करना चाहते हैं, कतिपय ऐसे लोगों की और मेरी आशंका जाती है। और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं मेरे समस्त क्षेत्र के जनजन से, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, विश्वास रखे सरकार पर, विश्वास रखे अपने जनप्रतिनिधि पर। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी भी स्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।